आजाद हैं वो, उन्हें आजादी से रहने दो। हद आकाश है जिनकी, आकाश ही रहने दो। गुड मॉर्निंग। सुबह 6:15 हो गए हैं। पिछले दिनों से तबीयत ख़राब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एज वेल एज शेड्यूल पूरा ख़राब हो चुका था। ना सुबह उठा जा रहा था, ना रात को जल्दी सोया जा रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि कब तक हमारे मन को या फिर हमारी इच्छाओं को हमारे ऊपर हावी होने देना है। तो आज फाइनली 6:15 पे अलार्म बजा और मैं जगी और मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। देन आई डिसाइडेड दैट अब से मैं सुबह उठूंगी एंड एक प्रॉपर शेड्यूल जो मेरा पहले का था मैं वो फॉलो करूंगी। बिकॉज यू नो कभी होता है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी का नेचर ही होता है कि वो क्योस की तरफ बढ़ते हैं और क्योस कभी भी पीसफुल नहीं होता। तो मैंने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हुआ, अब हमें वापस से अपने शेड्यूल पे जाना है। तो सुबह उठ के मैंने अच्छे से थोड़ा सा फेस वॉश करके एंड पानी पी के बाहर निकल आया पार्क में। पार्क में वॉक करने के बाद थोड़ी देर योगा भी किया, क्योंकि योगा मैट इस बार मैं नहीं ले आ पाई हूँ तो सीट का सहारा लेना पड़ा है। जल्दी ही योगा मैट खरीदूँगी एंड देन फिर अच्छे से योगा करूँगी। योगा करने के बाद आराम से बैठ के थोड़ी देर आसमान देख रही थी। आसमान में उड़ रहे पक्षियों से याद आया कि ये सुबह तो मैं भूल गई थी, भूले 1 महीना हो गया था। ऐसा नहीं था कि मैं चाहती नहीं थी सुबह उठना, बट किसी ने किसी वजह से नहीं उठ पा रही थी और रात में नींद भी नहीं आ रही थी। तो 1 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद 7:05 पे मैं वापस आई एंड देन फिर मैंने अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाया, शार लिया, चाय बनाया, सब कुछ किया और 9 बजे तक मैं रेडी हो गई लाइब्रेरी जाने के लिए। तो अभी 9:12, घड़ी 5 मिनट आगे कर रखी है तो समझ लीजिए 9:07 हो रहे हैं, मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब आज मैं 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच के इतना मेरे को सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, एक सेटिस्फैक्शन मिल रही है। बिकॉज यू नो कितना भी हो, अगर तुम एक पीसफुल मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो उससे बेटर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। तो आज प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। 9:15 पे मैं लाइब्रेरी में हूँ अपनी सीट पर। तो तबीयत ख़राब होने के कारण बहुत ऐसी क्लासेस थी जो मैं नहीं कर पाई थी और डिसाइड किया कि बहुत दिन हो गए टाइमर लगा के पढ़ने के लिए। और ये बात मैं डिसाइड करूँ उसके पहले जब मैं शाम को रूम पे गई तो मैंने देखा एक किसी का कमेंट भी आया था कि दीदी अब आप टाइमर लगा के नहीं पढ़ते तो पढ़ते क्या। तो मैंने सोचा हम कितने कनेक्टेड हैं, तो मैंने टाइमर लगाया और उसके बाद अपना जो बैकलॉग था वो कंप्लीट करना शुरू किया। तो ज्योग्राफी में बैकलॉग लगा था तो पहले ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही हूँ, तो वही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह ये सब नहीं अभी कंप्लीटेड था तो उसको कंप्लीट करूँगी पहले। ज्योग्राफी इफेक्टिवली समझने के लिए हमेशा अपने पास मैप लेके ही बैठना पढ़ने के लिए। एंड अगर हम ज्योग्राफी अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में हमें बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। जैसे मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो गया या फिर IR हो गया, तो अच्छे से मैप लेके चीज़ों को समझ समझ के तब पढ़ें। तो अभी मैं कर रही हूँ प्लेट मूवमेंट्स, जिसमें कन्वर्जेंट प्लेट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज एज वेल एज मिड ओशियानिक रिजेस वगैरह पढ़ रही हूँ। तो ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बैकलॉग है, वो भी कंप्लीट करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आई थिंक सोशलिज्म से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी हैं आज, तो देखते हैं अभी और आपको अपडेट करते चल रही हूँ कि क्या क्या पढ़ रही हूँ, कैसे कैसे पढ़ रही हूँ। बिकॉज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करने का ट्राई करूँगी, ट्राई नहीं एज पॉसिबल एज पूरा रहेगा मेरा एफर्ट कि मैं मतलब हेल्थ पे ही कॉन्शियस रहे मेरा।
तो मैंने प्रॉमिस किया है खुद से दैट बाहर का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने बहुत सारा बर्गर मोमो फलाना फलाना खाया। तो मैं वापस से रूम पे गई और उसके बाद खाना खा के वापस आई लाइब्रेरी में। तो अभी है न्यूज़पेपर का टाइम, तो न्यूज़पेपर के लिए जैसे एक लड़की ने मुझसे पूछा था, नाम तो मैं अभी भूल चुकी हूँ, बट उन्होंने पूछा था कि एडिटोरियल क्यों पढ़े हम, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पता है कि एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और तो मैंने आपको कमेंट में भी जाके बताया है कि मैं अभी एक वीडियो, जो ये वीडियो है, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स दे दे रही हूँ। बाकी बहुत सारे लोगों का इस टाइप का कमेंट आ रहा है, तो मैंने सोचा है कि मैं दो तीन दिन में ही, जैसे मेरे को टाइम मिलता है, मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर और उसमें कैसे किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सब एकदम डिटेल में बताऊंगी। तो वो ब्लॉग ज़रूर, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अभी इसमें थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो मैं जैसे मान लो कि आपको ये, अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए, कौन से पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जैसे हम बात करते हैं, टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट मुझे हमेशा अच्छा लगता है, उसमें बहुत अच्छे आर्टिकल रहते हैं, तो उसको पढ़ती हूँ मैं। एडिटोरियल पढ़ती हूँ, बिजनेस पेज पढ़ती हूँ, संडे को साइंस पेज पढ़ती हूँ। तो जैसे अभी आते हैं जन विश्वास बिल पे कुछ और ज़्यादा प्रोविजंस हैं वो डाले जा रहे हैं। ये बेसिकली एक अमेंडमेंट बिल है, तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा। इसमें 183 प्रोविजंस और ज़्यादा ऐड किए जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। बेसिकली मतलब कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट ऑफ 1940, फार्मेसी एक्ट ऑफ 1948, तो इन सब में बहुत सारी चेंजेस किए जाएंगे। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स, बेसिकली ये सब इस आर्टिकल में दिया गया है बहुत अच्छे से। जैसे जब आप पढ़ोगे तो जन विश्वास बिल के बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, प्लस मतलब प्रोस एंड कॉन्स दिया गया है, तो एक टाइप से समझ लो एक आंसर राइटिंग, अगर इस पे, जन विश्वास बिल पे कुछ पूछा जाता है तो आपका एक पूरा वो तैयार हो जाएगा कि कैसे क्या है। इसमें प्रोस तो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो नई कंपनीज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब ईज हो जाएगा, बट इसमें कॉन्स इतना ज़्यादा है कि इंडिया जैसे वर्ल्ड के लिए फार्मेसी हब है, तो अगर इतना ज़्यादा स्मूथनेस दे दिया जाएगा तो कुछ गलत ना हो जाए। जैसे अभी सिरप की कॉन्ट्रोवर्सी आई थी कि सिरप पी के लोग मर गए थे, तो ये सब बातें पूरा इसमें अच्छे से दिया गया है। एंड देन फिर उसके बाद है ये फिच वाला, इसको तो मान लो चलो छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम एडिटोरियल पे। एक बात और, जैसे आपका टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पूरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो द जिस्ट जो दिया गया रहता है, जिस्ट बेसिकली वही कि जो भी आर्टिकल लॉन्ग फॉर्मेट में दिया गया है उसका जिस्ट फॉर्मेट रहता है, वहाँ पे पढ़ लोगे तो जो आर्टिकल में दिया गया रहता है वो बेसिकली समझ में आ जाता है। अब जैसे देखो इस पे आते हैं, क्लाइमेट इवेंट्स एंड एन अम्ब्रेला फॉर अर्बन हेल्थ। तो बेसिकली इसको लिखा गया है जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी, जिंदल ग्लोबल, ये वो यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो बेसिकली समझ लो कि ये वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, तो ये एक प्रोफेसर का पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो पहली बात, एडिटोरियल हमें इसलिए पढ़ना होता है कि हमसे ज़्यादा एडुकेटेड लोग लिख रहे हैं उसको, उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझ के हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है कि कैसे अर्बन में फ्लड होता है, तो अर्बन एरियाज़ में फ्लड होता है तो कैसे क्या डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसी लानी चाहिए, क्या फॉर्मुलेट करना चाहिए, एज वेल एज हर साल अर्बन एरियाज़ में फ्लड आते हैं तो उससे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे कॉलरा हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे हर साल इस एरिया में फ्लड आता है, तो उन लोगों में कैसे अवेयरनेस फैलाएं, क्या क्या पॉलिसी पहले से ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें पढ़ोगी तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, थोड़ा सा आपका माइंड भी ब्रॉडन होगा, चीज़ों को सोचने के लिए और ज़्यादा डायमेंशन मिलेगी। और उसी के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आपको लगेगा कि ओ दिस इज़ मतलब हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। जैसे मान लो ये आर्टिकल, जिस आर्टिकल के बारे में अभी मैंने तुमको समझाया, अर्बन हेल्थ एंड अम्ब्रेला फॉर, ये वाला आर्टिकल जो था, तो इससे ही आपको जैसे एक ऐसे भी आ सकता है कि मतलब ये जो अर्बन फ्लडिंग होती है इसके बारे में कैसे क्या करना है, स्पॉन्ज सिटीज़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इसी तरीके से मतलब चीज़ें अभी तक सही क्यों नहीं हो पाई हैं। तो जब इसी तरीके से बहुत सारे आर्टिकल दिए रहते हैं, एडिटोरियल ऐसा होता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम उसको पढ़ रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड या फिर किसी ना किसी जगह पे पोस्टेड या फिर लॉयर या फिर ये ऐसे लोग लिखते हैं उसको, तो वो ऑथेंटिक सोर्स होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज़ मिल जा रहा है तो आप उसको कहीं से अलग, इसीलिए न्यूज़पेपर की नोट्स भी बनाई जाती है कि आप उसको अलग लिख लो ताकि आप अपने मेंस के एग्ज़ाम के पहले उसको रिवाइज़ कर सको एंड वो पॉइंट जाके आप उसमें डाल सकते हो। कभी कभी तो एडिटोरियल में बहुत अच्छी लाइन लिखी जाती है, लोग उसको भी एडिटोरियल से लाइन पिक करके अपने आंसर में कोट करते हैं, तो इस वजह से बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं।
और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसा तुमने ये क्वेश्चन पूछा था कि हम किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों पढ़ें, तो देखो क्या होता है कि अभी हम जहाँ पे हैं हमें बहुत कम एक्सपीरियंस है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को जानने का, बिकॉज़ हमने बहुत कम चीज़ें देखी हैं। बट जो बंदा आके एडिटोरियल लिख रहा है वो हमसे एज में भी बहुत बड़ा है, एज़ वेल एज़ उसके एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं उस सेक्टर से रिलेटेड। तो हमें जो है सोचने का और ज़्यादा डायमेंशन मिलता है। मतलब जैसे मान लो कि हम सोच सकते हैं कि मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब सोच सकते हैं, और एडिटोरियल में बेसिकली होता है कि उसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी, प्लस उसका क्या वाइडर पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्या लाभ हो सकती है, क्या हानि है, तो ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं, इसी वजह से अच्छा रहता है। तो आई होप तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर एडिटोरियल क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। और मैंने सोचा है कि मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी तो न्यूज़पेपर वाले पे, तो उसको देख लेना। एंड दैट्स इट, मुझे लग रहा है ब्लॉग बहुत बड़ा हो जा रहा है। आई होप तुम्हें ब्लॉग पसंद आया होगा। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक बार डॉट यानी फुल स्टॉप, तीन बार डॉट 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 यानी कहानी जारी है।